गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा स्टडी टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ। पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा था अबाउट लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। धरती पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हमने की थी और हमें पता है कि हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पर देखा था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिले थे किंगडम मोनेरा में और किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है ना। और उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपको किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमल किंगडम में देखने को मिले थे। हम यहाँ पर एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपने देखे थे, जैसे एक आपने देखा था अमीबा, ठीक है। तो अमीबा किंगडम प्रोटिस्टा में था, तो आपने ये देखा था कि उसमें जो फंक्शंस हैं जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन, ये सब उसका सिंगल सेल करने के लिए कैपेबल था। तो अमीबा का जो सिंगल सेल था वो सारे फंक्शंस कर पाता था, ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, वहाँ पर जो सेल्स का ग्रुप होता है वो ये फंक्शंस करता है ना। सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो जो सिंगल सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि सिंपल में अब आप देख लो, जैसे हाइड्रा है। हाइड्रा एक सिंपलेस्ट आप कह सकते हैं, सिंपलेस्ट एनिमल्स में से एक है। हालांकि ये मल्टी सेलुलर होता है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है, ओके। लेकिन ऑर्गन फॉर्मेशन भी आप नहीं देखते इसमें, हाइड्रा में। तो जबकि आप ह्यूमन बॉडी को देखो, ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको बिलियंस ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे जो अलग अलग फंक्शंस करने के लिए बने हैं। तो ये सारे सेल्स जो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जो मिलकर के काम करते हैं, कोई पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टिशू। तो यहाँ पर डेफिनेशन है टिशू का। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिशू। तो याद रखिएगा, जो हमारा डेफिनेशन है वो यहाँ पर प्लेस्ड है। अब इसको अच्छे से आपको याद रखना है। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली फोर बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़। तो आपको केवल चार टाइप के टिश्यूज़ देखने को मिलेंगे। बेसिक टिश्यूज़ जो हैं वो पूरी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बॉडी को बना रहे हैं। दीज टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टोमक, लंग, हार्ट, किडनी। तो ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, इनमें स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में आपको ये टिश्यूज़ देखने को मिलेंगे। अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जब आपको तो पता ही है ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑर्गन सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलके एक कॉमन फंक्शन करने के लिए आपस में काम करते हैं, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इन सब जगहों पर तो सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स स्प्लिट अप द वर्क इन ए वे दैट एग्जिबिट्स डिवीज़न ऑफ लेबर। तो डिवीज़न ऑफ लेबर के लिए ये अपना काम बांट लेते हैं एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज ए होल। तो डिवीज़न ऑफ लेबर हमें अपनी बॉडी में देखने को मिलती है और ये हमें सर्वाइव करने के लिए और एफिशिएंसी हमारी अच्छी रखने के लिए एक अच्छा एक मेथड है, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंगली टू देयर फंक्शन। तो आपको तो पता ही है कि सेल्स आर ऑफ वेरियस शेप्स और बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको शेप और साइज सेल के देखने को मिलते हैं, अलग अलग काइंड्स के। तो वो ऐसे क्यों हैं? बिकॉज उनके फंक्शंस भी अलग अलग काइंड्स के हैं। जैसे नर्व सेल होता है वो लॉन्ग होता है, तो बिकॉज इट हैज़ टू ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो इट इज़ लॉन्ग। वेयर इज़ द एडिपोज टिश्यू कंटेन्स एडिपोसाइट्स। जो फैट कंटेनिंग सेल्स हैं दे आर लार्ज एंड स्फेरिकल काइंड ऑफ सेल्स।
सो दे स्टोर अ लॉट ऑफ फैट इन देम. तो अलग अलग सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही उनको सपोर्ट करने के लिए होता है. देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू. तो आइए अब इनको एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. हम एपिथेलियल टिश्यू को कॉमनली एपिथीलियम बोलते हैं. प्लूरल अगर देखें इसका तो उसको बोलेंगे एपिथीलिया. द टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड दस प्रोवाइड्स ए कवरिंग और ए लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी. तो आप एपिथेलियल टिश्यू को जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एपिथेलियल टिश्यू के एक साइड तो आपको फ्री सरफेस मिलेगा, है ना, जैसे कोई आउटसाइड एनवायरनमेंट है, ठीक है, कुछ ऐसा. और एक तरफ आपको बॉडी फ्लड देखने को मिलेगा, एक तरफ बॉडी फ्लड होगा और एक तरफ कोई आउटसाइड एनवायरनमेंट होगा. जैसे कि अपनी एपिथीलियम देख लो, स्किन की, स्किन के एक तरफ तो बॉडी फ्लड है और बाहर की तरफ क्या है, आउटसाइड एनवायरनमेंट है, ठीक है ना. दस प्रोवाइड्स ए कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी. तो हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कवरिंग को बनाने का काम, या किसी डक्ट की लाइनिंग को बनाने का काम, ट्यूब्स को बनाने का काम, ऑर्गन्स को कवर करने का काम, ये सब जो है कौन कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू. अब एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो होती है वो काफ़ी कम होती है. इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है द सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल. सेल के बीच में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, सेल टू सेल कनेक्शन जो होता है उसके बीच में सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, वो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बनाने का काम करते हैं. तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो है वो काफ़ी कम होती है. तो अगर हम एपिथेलियल टिश्यू को देखें तो दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हमको मिलते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम. जैसा कि नाम है, सिंपल एपिथेलियम में आपको सिंगल लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे. और ये कहाँ आपको मिलेगी सिंपल एपिथेलियम, ये आपको बॉडी कैविटी की लाइनिंग में, यानी हमारी बॉडी में जो कैविटी होती है उसको लाइन करने में सिंपल एपिथेलियम काम आती है. उसके अलावा आपको डक्ट्स में, यानी जो डक्ट्स और ट्यूब्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट्स हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी. तो ये सिंपल एपिथेलियम जो होती है इसमें आपको सिंगल लेयर ऑफ सेल देखने को मिलता है, याद रखना. और जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सेल लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं. कंपाउंड एपिथेलियम का काम होता है प्रोटेक्टिव, यानी जैसे कि हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन के अंदर आपको बहुत सारी लेयर्स सेल की देखने को मिलती हैं और प्रोटेक्शन करने का काम, हमें बचाने का काम किसी चोट से, इंजरी से, ये करती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, सिंपल एपिथेलियम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. तो सिंपल एपिथेलियम को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है. पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम और तीसरा है कॉलमनर एपिथेलियम. तो अब आप यहाँ देखो, इन एपिथेलियम्स को आपको दिखाया गया है यहाँ पर. सबसे पहले तो यहाँ ध्यान रखना कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम है इसमें जो सेल्स होते हैं काफ़ी थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और काफ़ी थिन सरफेस होता है इसका. जबकि क्यूब लाइक सेल्स आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम में देखने को मिलते हैं, यहाँ पर देखिए, और लॉन्ग स्लेंडर कॉलम लाइक सेल्स, पिलर लाइक या कॉलम लाइक सेल्स आपको कॉलमनर एपिथेलियम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना. तो आपको डी वाला दिख रहा है, कॉलमनर सेल्स बियरिंग सिलिया, तो ये कॉलमनर सेल्स हैं, देखो कॉलम लाइक सेल्स हैं और इनके ऊपर आपको सिलिया भी देखने को मिल रही है. तो इस तरह से एपिथेलियम जो है शेप वाइज अरेंज्ड हैं. जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम को देख लें आप, इट इज़ मेड ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज. दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शनिंग लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री. तो देखो, आप चाहे ब्लड वेसल्स को देख लो जहाँ पर एक्सचेंज का काम हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का या गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड वेसल्स में. इसके अलावा जो लंग्स होती हैं हमारी, वहाँ के जो एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर भी आपको स्क्वैमस एपिथेलियम देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर भी जो सब्सटेंसेस है उनका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना. तो डिफ्यूज़न के थ्रू ये सब काम हो रहे होते हैं.
और उसके लिए थिन सरफेस चाहिए होता है ताकि जो डिफ्यूज़न है वो स्लो ना हो जाए। तो ये तो स्क्वैमस एपिथीलियम हो गई। इसके बाद आ जाएगी क्यूबॉइडल एपिथीलियम। क्यूबॉइडल एपिथीलियम में सिंगल लेयर होती है क्यूब लाइक सेल्स की, ठीक है ना। और ये आपको कहाँ मिलती है, ये ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं आपको वहाँ मिलेगी। इसके अलावा नेफ्रॉन की जो ट्यूब्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी किडनी में। और इसका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, कुछ सिक्रीट करना या कुछ एब्जॉर्ब करना। द एपिथीलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई। तो अगर आप PCT जो ट्यूब्यूल है जो हमारे किडनी में पाया जाता है वहाँ पर आपको माइक्रोविलाई भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अगला है द कॉलमनर एपिथीलियम। कॉलमनर एपिथीलियम में टॉल स्लेंडर सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। उनका न्यूक्लियाई जो होते हैं ज़्यादातर बेस की तरफ होते हैं, और जो फ्री सरफेस होते हैं वहाँ पर माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा लाइनिंग ऑफ स्टोमक, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, और इसका काम भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर आप थोड़ा और लिख सकते हैं क्यूबॉइडल एपिथीलियम में कि ये थोड़ा सा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम भी करती है क्यूबॉइडल एपिथीलियम के लिए आप कह सकते हैं। तो कॉलमनर एपिथीलियम में सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन फंक्शन है। इफ़ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सिलिया ऑन देयर सरफेस दे आर कॉल्ड एज सिलिएटेड एपिथीलियम। तो जैसे अगर क्यूबॉइडल एपिथीलियम के ऊपर सिलिया है तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम हो जाएगी, और अगर कॉलमनर के पास सिलिया है तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम हो जाएगी। देयर फंक्शंस इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथीलियम। तो अगर कोई सपोज सिलिया प्रेजेंट है सेल के सरफेस पर ऐसे एपिथीलियम पर, तो वो क्या कर रहा है, इट इज़ हियर टू मूव आइदर दिस वे और दैट वे। कोई भी पार्टिकल आ जाता है तो उस पार्टिकल को मूव करना जो है इन सिलिया का ही काम होता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना। या म्यूकस जमा होता है इनके ऊपर, तो म्यूकस को भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में एपिथीलियम के ऊपर मूव करने का काम इनका होता है। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स, फेलोपियन ट्यूब्स। तो फेलोपियन ट्यूब्स में भी आपको ये सिलिएटेड एपिथीलियम देखने को मिलती है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ओवम होता है ओवम का मूवमेंट भी सिलिएटेड एपिथीलियम की वजह से ही फैसिलिटेट होता है, और वो आराम से मूव करता हुआ ओवरी से यूटेरस की तरफ जा सकता है। तो बिकॉज आपको तो पता है ओवम जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है, तो फिर ये कैसे मूव करता है, ये सिलिएटेड एपिथीलियम की वजह से ही मूव करता है। सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथीलियम। तो हमें तो पता है कि जो कॉलमनर सेल्स हैं और क्यूबॉइडल सेल्स हैं दोनों सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स हैं जो सिक्रीशन को स्पेशलाइज कर लेते हैं, यानी अपना मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गोइंग टू सिक्रीट समथिंग। तो ऐसे सेल्स बनाते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम। तो दो टाइप की ग्लैंडुलर एपिथीलियम को देखने को मिलती है, आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, अंडरस्टैंड, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो आप देख रहे हो जैसे यूनिसेलुलर एपिथीलियम है वो कहाँ मिलेगी आपको, जैसे कि गोबलेट सेल्स होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, गोबलेट सेल्स है ना, तो ये सीक्रीशन का काम करते हैं, ठीक है। और आपको मल्टीसेलुलर एपिथीलियम कहाँ मिलेगी, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स है हमारे, ठीक है ना, तो वो मल्टीसेलुलर एपिथीलियम का एग्जांपल हो गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यूनिसेलुलर एपिथीलियम में ए वाला जो हमारा डायग्राम है, दिस इज़ अ सिंगल सेल, दिस वन, ओके। और अब यहाँ से देखो यहाँ से सिक्रीशन होगा, ठीक है ना। सिमिलरली ये भी एक सिंगल सेल है, तो इस तरह से हो गया। और यहाँ पर आप देखो ये जो हमारा ग्लैंड बना हुआ है ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड है, और यहाँ देखो कितने सारे सेल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देर आर मैनी सेल्स। तो फिर जो भी सिक्रीशन है वो इस पाथ के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है ना, इस तरह सरफेस पर आ जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे मल्टीसेलुलर, ओके, और जो हमारे गोबलेट सेल्स हैं दे आर एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एपिथीलियम। तो कौन सी एपिथीलियम हो गई, ग्लैंडुलर एपिथीलियम हो गई। तो अब इसके बाद आप ये देखो
कि किस तरह से ये जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करते हैं, उसके बेसिस पर हमें बताना है कि हम एपिथीलियम को, किस ग्लैंडुलर एपिथीलियम को दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। तो ग्लैंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारा उनका काम होता है किसी डक्ट में या ट्यूब में जो सब्सटेंस है उनको रिलीज़ करना। तो जैसे कि म्यूकस है, सलाइवा है, ईयर वैक्स है, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अदर सेल प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू द डक्ट्स और ट्यूब्स, और डायरेक्ट टारगेट साइट पर वो पहुंचता है। तो ट्यूब के माध्यम से टारगेट साइट तक वो पहुंच जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, डक्ट नहीं होती है, दे आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। तो उनके प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं, हॉर्मोन्स, और ये हॉर्मोन्स ब्लड में डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं और ब्लड से पूरी बॉडी में पहुँच जाते हैं। तो कोई भी ग्लैंड के आसपास फ्लूड है, जैसे कि ब्लड प्रेजेंट है, तो उसके अंदर ये डायरेक्टली जाते हैं और वहाँ से ये अपना पूरी बॉडी के अंदर फैलने का काम करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, वेयर एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टेड ग्लैंड्स। तो ये ध्यान रखना दोनों अच्छे से। नेक्स्ट इज द कंपाउंड एपिथीलियम। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कंपाउंड एपिथीलियम में कितनी, पूरा 1 2 3 4 आपको लेयर यहाँ पे दिखाई दे रही है अलग अलग सेल्स की। तो मल्टी लेयर्ड सेल्स हमको देखने को मिलते हैं। तो इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स एंड दस हैज़ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब ऐसे मल्टी लेयर्ड सर्फेसिस से एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए आते हैं काम, ठीक है ना। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो दे कवर द ड्राई सर्फेसिस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी माउथ में हमारे, ठीक है ना, फेरेंक्स, द इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड और पेनक्रियाटिक डक्ट्स। तो ये सब जगहों पर ये आपको देखने को मिलेगा कंपाउंड एपिथीलियम। ऑल एपिथीलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। ज़्यादा इंटरसेलुलर मटेरियल आपको एपिथीलियम में, आपको सेल्स के बीच में देखने को नहीं मिलता है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज़ स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स। तो अगर मान लो हमारे पास टिश्यू है, टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और जो जंक्शंस होती हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स की होती हैं, टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस। तो टाइट जंक्शंस जो होती हैं वो सेल्स को बहुत टाइटली पैक करती हैं और सब्सटेंसेस का मूवमेंट या सब्सटेंसेस का लीकेज नहीं हो पाता है उनके थ्रू। यानी सेल्स को बहुत टाइटली पैक कर देना टाइट जंक्शंस का काम होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है एडहेरिंग जंक्शन, जो कि नेबरिंग सेल्स को साथ में रखने के लिए होती है। टाइट जंक्शंस की तरह बहुत टाइट नहीं होता है कनेक्शन, बट सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय एडहेरिंग जंक्शंस। तो ध्यान रखना, टाइट जंक्शंस तो सील करने का काम करता है, जबकि एडहेयर करने का या एक दूसरे के साथ बनाए रखने का काम सेल एडहेयरिंग जंक्शन का होता है। एंड थर्ड इज़ द गैप जंक्शन विच प्रोवाइड्स, सपोज दिस इज़ वन सेल एंड दिस इज़ द अनादर सेल, नाउ लुक हियर, दिस इज़ द गैप जंक्शन जो मैंने अभी यहाँ क्रिएट किया है, गैप क्रिएट किया है। सो सब्सटेंसेस कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनादर सेल वाया दिस गैप, दिस इज गैप जंक्शन। तो जैसे आप एक सेल से दूसरे सेल का सब्सटेंस का मूवमेंट करना चाहें तो वो गैप जंक्शन के थ्रू होता है। तो सबसे ज़्यादा टाइट ये टाइट जंक्शंस हैं, जो बिल्कुल भी सब्सटेंसेस को लीक नहीं होने देती। एडहेरिंग जंक्शन सेल्स को एक साथ सीमेंट करके रखती है, लेकिन बहुत टाइट नहीं होती। एंड थर्ड इज़ द गैप जंक्शन विच कंटेन चैनल थ्रू विच सब्सटेंसेस कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनादर सेल। ओके, तो इस तरह से आयन्स का रैपिड ट्रांसफ़र हो सकता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या कुछ बिग मॉलिक्यूल्स आसानी से एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एपिथीलियल टिश्यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।